ओके okay, तो यहां पर सबसे पहले हमको इंटेंसिटी के कॉन्सेप्ट को समझ लेना चाहिए अगर हम यंग्स डबल सीट एक्सपेरिमेंट की बात करें तो हम मान सकते हैं कि दोनों सोर्स का इंटेंसिटी इक्वल होगा मतलब हम मान सकते हैं कि आई वन इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू आई नॉट ओके बोथ सोर्स विल हैव क्योंकि वहां इक्वी है है ना आ, जो हम एक्सटर्नल सोर्स यूज कर रहे हैं वहां पर दोनों का जो इंटेंसिटी वो इक्वल आ रहा है तो बोथ सोर्स विल हैव इक्वल इंटेंसिटी विल हैव इक्वल इंटेंसिटी ओके यहां पर दोनों सोर्स का इंटेंसिटी जो होगा वो इक्वल होगा ओके okay? अच्छा यहां पर अगर हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करें तो जो इंटेंसिटी होता है वो इंटेंसिटी होता है फोर टाइम्स ऑफ आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू ओके okay. यहां पर ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी होता है वैसे रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला I इज इक्वल टू होता है I1 वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव है ना पर यहां पर हम I1 I2 का वैल्यू I नॉट पुट करेंगे तो ये फार्मूला हमको मिल जाएगा एक बार पुट करके देख लेते हैं तो I इज इक्वल टू आई नॉट प्लस आई नॉट प्लस टू रूट आई नॉट इंटू आई नॉट तो आई नॉट हो जाएगा इंटू कॉस फाइव तो यहाँ से अगर हम आई नॉट कॉमन लेंगे और टू भी यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा वन क्योंकि आई नॉट प्लस आई नॉट टू हो जाएगा है ना और कॉस uh, फाइव और कॉस फाइव को आप क्या लिख सकते हैं वन प्लस कॉस फाइव को क्या लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं आप टू कॉस स्क्वेयर फाइव बाई टू तो ये हो जाएगा फोर आई नॉट कॉस स्क्वेयर फाइव बाई टू ओके तो यहाँ पर आई रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमको मिल रहा है तो केस अगर हम फर्स्ट देखते हैं केस नंबर वन हम देखते हैं जिसमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी के दे रखा है के यूनिट दे रखा है तो के इज़ इक्वल टू फोर इंटू आई नॉट इंटू कॉस स्क्वेयर अब यहाँ पर अगर हम पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन देखें तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाई टू पाई इंटू फाई होता है ओके okay, अगर हम यहाँ पर फाई कैलकुलेट करें तो फाई इज इक्वल टू टू पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स होता है तो यहाँ पर फर्स्ट केस में अगर हम आ, फाई की बात करें तो वो कितना होगा टू पाई बाय लेमडा इन टू लेमडा क्योंकि फर्स्ट केस में पाथ डिफरेंस कितना दे रखा है लेमडा दे रखा है है ना फर्स्ट केस में पाथ डिफरेंस कितना दे रखा है लेमडा दे रखा है तो लेमडा से लेमडा कैंसिल फेज डिफरेंस यहाँ पर टू पाई हो जाएगा और कॉस्ट टू पाई का वैल्यू टू पाई बाई टू यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि फाई बाई टू है तो कॉस पाई का वैल्यू माइनस वन होता है उसका स्क्वायर वन हो जाएगा तो के इक्वल टू हमको मिलेगा फोर आई नॉट ओके के का वैल्यू कितना मिला फोर आई नॉट अगर हम केस नंबर टू देखते हैं अगर हम यहाँ पर केस नंबर टू देखते हैं जिसमें केस नंबर टू जिसमें पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू लेमडा बाई थ्री दे रखा है तो अगर हम यहाँ पर से फेज डिफरेंस पाई की बात करें तो कितना होगा तो होगा टू तो पाई बाई लेमडा इन टू लेमडा बाई थ्री तो लेमडा से लेमडा कैंसल टू पाई बाई थ्री मिला है ना और कॉस स्क्वेयर टू पाई बाई थ्री कॉस पाई बाई टू पाई बाई थ्री माइनस वन बाई टू होता है तो हमको जो इंटेंसिटी मिलेगा आई वो मिलेगा फोर आई नॉट इंटू कॉस स्क्वेयर यहाँ पर हम पुट करेंगे टू पाई बाई थ्री डिवाइडेड बाई टू का यहाँ टू से टू कैंसिल हो जाएगा है ना तो फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर और ये होगा सिक्सटी डिग्री और कॉस सिक्सटी कितना होता है कॉस सिक्सटी तो वन बाई टू होता है है ना कॉस सिक्सटी वन बाई टू होता है तो फोर आई नॉट और ये हो जाएगा वन बाई टू का स्क्वायर है ना तो यहाँ फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेट इंटेंसिटी कितना मिलेगा आई नॉट है ना अगर हम आई नॉट का वैल्यू यहाँ से फाइंड करें तो आई नॉट इज़ इक्वल टू के बाई फोर तो रि रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमको मिलेगा के बाई फोर कितना मिलेगा आई नॉट मतलब के बाई फोर तो आप कहेंगे कि वन बाई फोर टाइम्स इंटेंसिटी मिलेगा जहाँ पर पाथ डिफरेंस लेमडा बाई थ्री होगा है ना तो बेसिक अगर आपको फार्मूला याद है तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं